हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आप देख ही रहे स्क्रीन पे आज ये वीडियो मैंने एक मास्क के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है। सर, आप कुछ भी करिए, एक थोड़ा सा जल्दी में आप दिखा दीजिए, ताकि हम लोगों को, किसी को ना भी आता हो तो हम इसे बहुत आसानी से तैयार करें। तो मैंने ये इलास्टिक से बनाया है, आज मैं इलास्टिक से दिखा रहा हूँ। कल मैं दिखाऊंगा जो इलास्टिक छोड़ के घर में जो कुछ है उसी से आप लोग बना सकते हो। ओके, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाजार में जो मास्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बहुत ही जल्दी से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से मैंने दो तीन तरीका मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप जिसके हिसाब से बनाना चाहते हैं सिर्फ एक मेजरमेंट आप ले लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता दूं फ्रेंड, आप अगर देखेंगे, आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हो। इसके लिए क्या है, दो मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है। यहाँ से आप जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे कि मास्क इधर से ये नीचे तक हम इतना अच्छी तरीके से मूव करेंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक एक मेजरमेंट लेंगे, और बाद में हम इस जगह में थोड़ा सा कम करके भी हम यहाँ से बैक कर सकते हैं। और अपना जो कान इधर से होगा ना, तो उसमें ऊपर से भी आप दे सकते हो, नीचे से भी दे सकते हो, और इलास्टिक से हम इसे करेंगे। ओके, तो जितना टेक्निक दिखाएंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत इजी होगा। चलिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से उसे तैयार करना है, पैटर्न को किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल है, किसी ने अगर स्टिच ना भी पता हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने एक पैटर्न कट किया है, तो बहुत ही सिंपल से कट किया है। आप इसी तरह कुछ कपड़ा जो पैटर्न है, तो एक तरफ सीधा रखिए, अपना फेस के हिसाब से दोनों तरफ का ले रखिए, और उसके बाद इसे सीधा कर दीजिए, और उसके बाद ये इसी तरह रखिए जैसे मैंने हमारा जो मॉडल में जो दिखा, इसी तरीके से आप लोग एक पैटर्न कट करेंगे, अपने मेजरमेंट से ही करेंगे, इसी तरह कर दीजिए आप एक। ओके, तो ये दोनों तरफ का फोल्ड होगा, जैसे फोल्ड करेंगे तो इसी तरह वो दिखेगा। इसमें जो मैंने जो मेजर दिखा, उसमें आप लोगों को हाइट चाहिए, जितना हाइट चाहते हैं, और इस जगह का पूरा जो फेस का जो इधर उधर घुमा के जो मेजरमेंट वो चाहिए। और इस जगह में आप जैसा है वैसा कर ही दीजिए, थोड़ा सा नैरो भी इस जगह में कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें जो यहाँ से जो मेजरमेंट आप चाहते हैं, और इस जगह का जो मेजरमेंट आप चाहते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं दिखा रहा हूँ, तो चलिए अब मैं मशीन में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह एक इलास्टिक ले लेंगे। बाद में मैंने कुछ वीडियो और भी बनाऊंगा, ताकि किसी जिनके पास कोई इलास्टिक वगैरह नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से करेंगे, तो वो तरीका भी हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले इसे हम देखिए दोनों तरफ से इसी तरह पक्का कर लेंगे। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, छोटा सा करके ऐसे करके ऐसे फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरफ आप लोगों को डबल फोल्ड करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकते हैं। अगर किसी को परेशानी हो तो आप सीधा कर दीजिए, इसी तरह सीधा कर दीजिएगा। ओके, मैंने इस तरह किया है, तो आप लोग इसी तरह कर देंगे, बाद में आप लोग इसी तरह कर देंगे ऐसे करके, क्योंकि इस तरह ओरफ हो रहा है, तो आप लोगों को करने में दिक्कत हो। ठीक है फ्रेंड, आप इसी तरह कर दीजिए, और उसी इसके बाद इस तरफ भी आप दोनों फोल्ड कर दीजिए इस जगह में।
तरह करिए और उसके बाद अपना जो फुल हेड का जो मेज़रमेंट है उसी तरह ही एक मेज़रमेंट ले लीजिए, जितना है आप उसी तरह एक मेज़र ले लीजिए। आप मैंने मेज़र ले लिया है कितना दूर जाएगा, तो इसी तरह ही आप लोगों करना है। ज़्यादा नहीं अब लोगों को करना, थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो मुश्किलें हो जाएंगे। तो उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे इसी तरह। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ लगा दिया, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ के मैंने किया है। और करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों के साथ इसी तरह हम इसे मेल कर देंगे, ठीक है। और ये अपने हिसाब से, अपना माथे के हिसाब से आप लोगों को इसे करना है। और ये मैंने फुल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा, उसके बाद इसे हम इसके साथ पकड़ के हम जोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, बस हो गया है। ये देखिए किस तरीके से बना है, बहुत ही सिंपल है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड, आपका जो सीधा तरफ है वो ऊंचे की ओर होना चाहिए, और आपका जो इलास्टिक है आप अपने हिसाब से बड़ा लीजिए और छोटा लीजिए, ओके। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से बना है ये। तो फ्रेंड ये देखिए, ये इस तरीके से बन गया है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए मैंने किस तरीके से ये बनाया है, साइड में से किस तरीके से दिख रहा है, पूरा डिटेलिंग देखिए। मैंने पहले आप लोगों को बताया है, आप लोग इसे ऐसे करके इसे इस तरह से कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को दो बात ध्यान में रखना है, जो नीचे वाला जो इलास्टिक है यहाँ से मेजरमेंट आप लोग ज़्यादा करेंगे, ताकि यहाँ से नीचे जाके वो थोड़ा सा खींचेगा, यानी कि जब थोड़ा सा इसे पकड़ के रखेंगे तो इलास्टिक को थोड़ा सा खिंचाई होना चाहिए, ओके। तो नीचे में से कोई ऊपर में कुछ हवा वगैरह इधर से नहीं जाने वाला है। और अगर थोड़ा सा लूजिंग चाहते हैं, लूज भी दे सकते हैं इस जगह में, इस तरीके से आप लोग पहन सकते हो। और दूसरी बात है, आप लोग इसे और भी ऐसे तरीके से आप लोग कर सकते हो, ऐसे करके इसे इस जगह से भी आप लोग ऐसे करके कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए ठीक है मैं ऐसी तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ये देखिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें गैपिंग को ज़्यादा देनी है और आप लोग अपने हिसाब से ये कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड बहुत ही जल्दी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारा जितना सब्सक्राइबर है जिनको मार्क्स करना नहीं आता है, तो ये देखकर आप लोग बहुत आसानी से जल्दी से आप लोग कर सकते हो। और कल मैंने इसके ऊपर और भी थोड़ा सा, बहुत लोग है जो और भी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने और भी तरीका आप लोगों को दिखा दूंगा मास्क बनाने का, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आप कुछ नहीं बोल रहा है, आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, जितना हो सके मास्क को यूज़ कीजिए। और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।